हेलो हाय एवरीवन, वी किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाय मसाले की रेसिपी। घर के ही सामान से यानी घर में जो मसाले होते हैं उन्हीं चीज़ों से आज हम चाय का मसाला बनाएंगे, तो इसकी रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून छोटी इलायची ली है, 1 टेबल स्पून लौंग लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 जायफल लिया है, 1/2 और 1 इंच के करीब टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, 1 इंच टुकड़ा जावित्री यानी मेस कहते हैं इसे, 2 टेबल स्पून बारीक वाली सौंफ ली है और 4 टेबल स्पून जिंजर पाउडर यानी सोट पाउडर लिया है। इन सबको हम हल्का सा भून लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म हो जाए, गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और आधे मिनट के लिए हम इसे भुनेंगे जिससे कि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, मसालों को ऑयल रिलीज ना हो। गैस बंद करके मसालों को हम प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा हो जाए। फिर मिक्सी के जार में हम सोट पाउडर डालेंगे और सारे मसाले डालकर फाइन पाउडर पीस लेंगे। ये देखिए फाइन पाउडर पीस के तैयार हो गया है और अब हम इसे एक एयर टाइट जार में भरकर रख लेंगे। इस मसाले को आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रखिए एयर टाइट जार में, तो ये ख़राब नहीं होगा और जब भी चाय पीने का मन हो तो 3 से 4 कप चाय में 1 टीस्पून ये मसाला डाल दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की